अमेरिका में इस समय सियासी हलचल काफी तेज है क्योंकि चुनाव के बाद वहां पर राष्ट्रपति पद के रूप में ट्रंप को चुना गया है। ऐसे में खबर सामने आई है कि डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिकी सीनेटर मार्को रूबियो को विदेश मंत्री के रूप में अपना उम्मीदवार बनाया है। फ्लोरिडा के रहने वाले रूबियो को ट्रंप की शॉर्टलिस्ट में सबसे आक्रामक विदेश नीति के उम्मीदवारों में से एक माना जाता है। नमस्कार, मेरा नाम है आयुषी और आप देख रहे हैं जनसत्ता। पिछले कुछ वर्षों में रूबियो ने अमेरिका के प्रतिद्वंदियों जैसे कि चीन, ईरान और क्यूबा के खिलाफ सख्त रुख अपनाने की वकालत की है और इन देशों द्वारा पेश की गई चुनौतियों का जवाब ताकत से देने की जरूरत पर जोर दिया है। 2016 के रिपब्लिकन राष्ट्रपति पद के चुनाव में ट्रंप के प्रतिद्वंदी रहे रूबियो को विदेश मंत्री के उम्मीदवार के रूप में चुनने का ट्रंप का निर्णय उनके विदेश नीति दृष्टिकोण में संभावित बदलाव का संकेत देता है। भारत की बात करें तो रूबियो भारत के साथ रिश्तों को मजबूत करने के बड़े समर्थक रहे हैं। उन्होंने हमेशा भारत को हिंद प्रशांत क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण साझेदार के रूप में देखा है और अमेरिका भारत सहयोग को और गहरा करने के प्रयासों का समर्थन भी रूबियो की ओर से किया गया है, खासकर रक्षा और व्यापार के क्षेत्रों में। उनके भारत के प्रति समर्थन विशेष रूप से चीन के बढ़ते प्रभाव को संतुलित करने के प्रयासों के तहत कांग्रेस में द्विदलीय प्रयासों के अनुरूप है। रूबियो ने रणनीतिक रूप से मजबूत भारत अमेरिका संबंधों को बढ़ावा देने के लिए नीतियों की वकालत की है जो न केवल आर्थिक सहयोग को बढ़ावा देती हैं बल्कि दोनों देशों को लोकतांत्रिक मूल्यों को भी मजबूत करती हैं। तो वहीं भारत के बाद चीन पर रूबियो का रुख काफी सख्त है। सीनेट में चीनी नीति पर एक अग्रणी आवाज के रूप में उन्होंने CCP के मानव अधिकार उल्लंघनों, व्यापार और दक्षिण चीन सागर में आक्रामक कार्रवाइयों की आलोचना की है। रूबियो ने उन नीतियों का समर्थन किया है जो चीन पर आर्थिक दबाव बढ़ाने के उद्देश्य से प्रतिबंध और प्रौद्योगिकी हस्तांतरण पर प्रतिबंध लागू करती है। उनका नजरिया चीन को अंतर्राष्ट्रीय और घरेलू स्तर पर जिम्मेदार ठहराने पर जोर देता है और यदि उन्हें विदेश मंत्री बनाया जाता है तो वो इस दृष्टिकोण को विदेश विभाग में लागू करने की कोशिश जरूर करेंगे। रूबियो का मानना है कि अमेरिका को अपने क्षेत्रीय सहयोगियों जैसे भारत, जापान और दक्षिण कोरिया के साथ रिश्तों को मजबूत करने पर ध्यान देना चाहिए ताकि चीन की बढ़ती ताकत का मुकाबला किया जा सके। चीन और भारत के बाद बात करें तो रूबियो का विदेश नीति दृष्टिकोण यूरोप में भी फैला हुआ है जहां उन्होंने नाटो के प्रति मजबूत समर्थन जताया है। सीनेट में अपने करियर के दौरान रूबियो ने वैश्विक स्थिरता बनाए रखने और रूसी आक्रामकता का मुकाबला करने में नाटो की भूमिका पर जोर दिया है। यहाँ तक कि उन्होंने नाटो को अमेरिकी सुरक्षा का स्तंभ भी बताया है। रूस और यूक्रेन युद्ध पर नजर डालें तो रूबियो का मानना है कि यूक्रेन को शांति के साथ रूस से बात करनी चाहिए और इस मुद्दे को सुलझाना चाहिए, ना कि उन क्षेत्रों को वापस पाने के प्रयास में लगना चाहिए जो रूस ने पिछले दशक में कब्जा कर लिया था। वो $95 बिलियन के सैन्य सहायता पैकेज के खिलाफ वोट देने वाले 15 रिपब्लिकन सीनेटरों में से एक हैं। वहीं इसके अलावा इसराइल और फिलिस्तीन के बीच हो रहे युद्ध की बात करें तो इसराइल की ओर उनका झुकाव साफ साफ दिखाई देता है। उन्होंने हमास जैसे आतंकवादी समूहों की खुलकर आलोचना की है जिन्हें वो क्षेत्रीय स्थिरता के लिए खतरा मानते हैं। उन्होंने इसराइल को सुरक्षा सहायता का समर्थन भी किया है और गाजा से शुरू होने वाली हिंसा के लिए निर्णायक प्रतिक्रिया की जरूरत जताई है। रूबियो की विदेश नीति दृष्टि उनके पिछले राजनीतिक रिकॉर्ड और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में उनके दृष्टिकोण को देखते हुए ट्रंप प्रशासन में एक सशक्त और आक्रामक विदेश नीति की दिशा में बदलाव की संभावना को दर्शाती है। तो मार्को रूबियो पर आपकी राय क्या है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। साथ ही साथ देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए बने रहें जनसत्ता के साथ।